एक लंबी चुप्पी के बाद जगदानंद सिंह ने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया है। क्या थी उनकी चुप्पी की वजह, आपको ये पूरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं, मैं सुमन हूं। आखिरकार राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने लंबी समय तक जो है कि लंबे अरसे के बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी है। और इसके बाद जो है बिहार में अगर बात करें तो सियासी भूचाल आना तो तय ही था, लेकिन अगर बात करें उन्होंने चुप्पी में क्या क्या, चुप्पी को तोड़ते हुए क्या क्या बातें कही, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट में आपसे। पहले आपको बता दें महागठबंधन के भीतर की क्या स्थिति है। महागठबंधन के अंदर जितने भी दल हैं, तमाम दल वो पहले से जो नेतृत्व को लेकर के है, इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति में थे कि कौन कैसे नेतृत्व करेगा। इसके बाद अगर बात करें सीटों के मामले में भी जो है उसको लेकर के लगातार जिस तरह से हमने देखा था कि कांग्रेस में किस तरह से बातचीत हुई थी, बीच में आपने देखे थे कि कांग्रेस के प्रभारी की बात करें तो शक्ति सिंह गोयल भी आ रहे थे, माझी से बात करने के लिए वो गए हुए थे लेकिन चाय फीकी पड़ गई थी। उसके बाद महागठबंधन में वीआईपी का दौर आया, वीआईपी के मुकेश सहनी जिस तरह से अपनी जो है छवि सुधारने में लग गए, और महागठबंधन में आरजेडी के बाद जो है अगर बात करें तो छोटे दलों में तो कहीं ना कहीं घटक दल में एक अगर इम्पोर्टेंट जगह की बात करें तो उसे उस पर जो है मुकेश सहनी धीरे धीरे तौर पे जाके काबिज हो गए। लेकिन और जो बात करें महागठबंधन के भीतर की जितनी स्थिति थी, इस पूरे प्रकरण पे आपने देखा होगा कि जगदानंद सिंह जो है वो बिल्कुल खामोश थे, यानी कि वो चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन बाबा से उन्होंने जब भारत लाइव से बाबा जब उनसे बातचीत कर रहे थे उसके दौरान उन्होंने बताया था कि ये चुप्पी जो है उनके लिए जो है उनके पार्टी के लिए बेहद जरूरी है, यानी कि वो परखना चाहते थे, लोगों को परखना चाहते थे और उन्होंने लोगों को परखा भी। और वो कह रहे थे कि वो हम देखना चाहते हैं कि कितने दल हैं या फिर कितने बड़े नेता हैं जो राजद के लिए या फिर महागठबंधन के लिए वास्तविक तौर पर जो अच्छे हैं, यानी कि उनके लिए फायदामंद है। उन्होंने जो है ये चुप्पी के दौरान जो है वो पेशेंस, लोगों का जो पेशेंस है, नेताओं का जो पेशेंस है, धैर्य है, उनको जो है वो नापना चाह रहे थे। और ऐसा ही हुआ भी, आखिरकार जगदानंद सिंह ने अब पूरे प्रकरण पर जो है चुप्पी जो साधी हुई थी उसे अब उन्होंने तोड़ते हुए कहा है कि वो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के जो बड़ी बात मांग हो रही थी उस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव ही जो है वो पूरे महागठबंधन को कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी कि लंबे अरसे से जो चुप्पी साधे हुए थे। और इसी चुप्पी का नतीजा जो है ये है कि माझी जो है गठबंधन से बाहर हो गए, महागठबंधन से बाहर हो गए। और पिछले एक वर्ष से आप देखें तो महागठबंधन और बिहार की राजनीति में कोऑर्डिनेट को लेकर के महागठबंधन को कौन कोऑर्डिनेट करेगा, किस तरह से कोऑर्डिनेट करेगा, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति थी। आखिरकार राजद के अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ते हुए साफ कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव ही होंगे जो महागठबंधन को कोऑर्डिनेट करेंगे। और इस पर जितने जो घटक दल हैं महागठबंधन के उनकी आम सहमति भी बन गई है। और इस पर अगर ये जो सवाल हुआ था, अगर आप पूछेंगे ये सोचेंगे कि माझी के जाने से पहले उन्होंने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी थी, तो इस बात पर उन्होंने कहा कि माझी लगातार जेडीयू के संपर्क में थे और इस बात की जो है उन्हें भनक थी और इस कारणवश जो है वो लगातार चुप्पी साधे हुए थे। वो उनकी धैर्य सीमा की जो है वो आकलन कर रहे थे चुप्पी साधने के दौरान। वो पूरे जो महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं और उनके जितने तमाम जो बड़े नेता हैं सबका वो जो है परीक्षण कर रहे थे। और आखिरकार माझी ने जो है अपनी सब्र की बांध को तोड़ते हुए महागठबंधन से वो अलग ही हो गए। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि जितने भी दल हैं उन्होंने से हमारी आम सहमति बनी हुई है कि लालू प्रसाद यादव ही हैं, इकलौते व्यक्ति हैं जो इस महागठबंधन को कोऑर्डिनेट करेंगे। तो और उन्होंने जो रघुवंश प्रसाद सिंह के मामले में अगर बात करें तो उन्होंने उस मामले पर फिर से दोबारा जो है उन्होंने चुप्पी साध ली है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।